सभी लोग अच्छे हैं। तो आज देख सकते हैं मेरे साथ है निंजा 400 2023 एडिशन। तो आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करने जा रहा हूँ कि इस गाड़ी में आपको 2022 एडिशन में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या नया आपको अपडेट मिलेगा इस जो बाइक है इसमें, और जो प्रीवियस मॉडल के साथ क्या क्या डिफरेंस है, उसके सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एंड उससे पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्पीड कावासाकी कोलकाता मुझे बाइक देने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सकूं। आप अगर वेस्ट बंगाल से कहाँ से भी हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो कोई भी कावासाकी प्रोडक्ट के लिए। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो कोलकाता शोरूम में कोई भी कावासाकी बाइक के लिए। तो शुरू करते हैं इसकी प्राइसिंग से। तो प्राइसिंग जो है इसका एक शोरूम प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको आएगा 4,90,000 जो है अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम प्राइस आएगा। एंड ऑन रोड प्राइस जो है मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लें कि इसका वेरिएंट का, इसमें तो आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा। एंड आपको जो कलर ऑप्शन मिलेगा, आपको दो कलर ऑप्शन मिलेगा। एंड ये जो कलर ऑप्शन है ये कार्बन ग्रे है। एंड इसका और एक कलर ऑप्शन मिलेगा जो है लाइम ग्रीन, जो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं है। आपको अगर खरीदना चाहे तो फिर मिल जाएगा, ये आपको गोडाउन में है फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका वीडियो जो है मैं इसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। एंड सबसे पहले चेंजिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो सबसे पहले जो वाइज़र, यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट वाइज़र मिल जाता है। हेडलाइट में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियसली क्या मिलता था, आपको बल्ब वाला हेडलाइट मिलता था, ये अभी एलईडी होगा। मैं टर्न ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसका हेडलाइट बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे पायलट लैंप मिल जाता है। एंड ये जो है लोबी में, तो इसका लाइट आप देख सकते हैं, लाइट स्प्लिट बहुत ही अच्छा है। अभी डे टाइम में भी इतना आप ब्राइटनेस देख पा रहे हैं, इसका लाइट स्प्लिट टाइप में भी बहुत अच्छा होगा। ये बेसिकली यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है। एंड ये लो बीम है, यहाँ पे हाई बीम होता है। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको हाई बीम भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कावासाकी का जो है बैरिंग मिल जाता है। एंड साइड में आता है तो ये बेसिकली जो मेटलिक ग्रे है, इसमें आपको उतना ग्राफिक्स नहीं मिलेगा सर। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के साथ निंजा 400 का स्टिकर ही मिल जाता है। पर मैं आपको बता दूँ कि ग्रीन कलर का जो वेरिएंट है, जो वर्सन है ग्रीन कलर का, लाइम ग्रीन, उसमें आपको थोड़ा बहुत स्टिकरिंग मिल जाता है पूरा बॉडी में। एंड उसका फ़ोटो मैं दे दूँगा। एंड इसका यहाँ पे फुल फ्रेम में जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये ट्विन पाइप देख सकते हो। बेसिकली ये ट्विन सिलेंडर इंजन है। मैं इंजन स्पेसिफिकेशन बाद में बता दूँगा। तो सबसे पहले सामने से सस्पेंशन की बात कर लेते, तो ये जो आपको लाइक 41 mm का सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्पेंशन जो गार्ड, आप शायद देख सकते हैं यहाँ पे ये मिल जाता है। एंड ये जो बाइक है ये आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ ही आता है। एंड फ्रंट में देख सकते हैं आपको पेटल डिस्क मिल जाता है। ये जो है 310 mm का पेटल डिस्क है, जो प्रीवियसली जो अपडेट था इसका 2022 वेरियंट, जो BS4 वेरियंट था, उससे ये अपडेट हो गया। ये अभी 310 mm का मिलता है। एंड ड्यूल चैनल ABS के साथ आपको निसिन का कैलिपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड में आपको इसका जो टर्न इंडिकेटर है, ये आपको बॉडी के साथ इंटीग्रेट में मिल जाता है। पर इसमें आपको ये बल्ब वाला टर्न इंडिकेटर ही मिल रहा है, इसमें अभी LED नहीं किया है। सिर्फ आपको चेंजेस जो हुई है, इसका हेडलाइट जो है आपको LED में चेंज है। जो प्रीवियसली आपको बल्ब वाला हेडलाइट यहाँ पर मिलता था, वो अभी LED में मिल रहा है। एंड इस साइड में भी आपको सेम निंजा का स्टिकरिंग है 400। एंड यहाँ पर आपको कावासाकी का बैरिंग टैंक के ऊपर देख सकते हैं। एंड और कोई ग्राफिक्स इस बाइक में यूज़ नहीं किया गया है।
इसमें जो है आपको 14 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। माइलेज के बारे में बात करेंगे मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। एंड सबसे पहले मैं आपको थोड़ा व्हील बता देता हूँ। व्हील जो आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक टाइप कलर के ऊपर आप देख सकते हैं इसका जो व्हील पैटर्न दिया गया है। एंड इसमें आपको 17 इंच का व्हील मिल जाता है। टायर का जो सेक्शन आपको मिलता है थोड़ा टायर का जो सेक्शन है वो आपको 17 इंच का व्हील मिल जाता है। एंड 110/70 सेक्शन का आपका 17 इंच का टायर मिल जाता है। फ्रंट रियर के बारे में बात करेंगे, इससे पहले मैं इसको आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंजन जो है इसका आपको 399 cc का आपको डुअल सिलेंडर इंजन मिलता है। डुअल सिलेंडर आपको इंजन मिलता है, लिक्विड कूल इंजन आपको मिल जाता है यहाँ से। एंड इसका जो पावर डिलीवरी है जो प्रीवियस मॉडल से आपको कम हो गया। एक प्रीवियसली आपको VS4 में आपको नियर अबाउट 49 bhp का पावर मिलता था, अभी आपको यहाँ से इस गाड़ी से आपको 45 bhp का आपको पावर मिल जाता है। एंड 37 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। 6-speed gearbox के साथ आपको 6-speed gearbox इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी आपको मिल जाता है, इसमें आपको स्लीपर क्लच का आपको मिल जाता है। एंड रियर में जो सस्पेंशन है वो आपको माउंटेड सस्पेंशन मिल जाता है रियर में। एंड यहाँ पर देख सकते हैं फुट स्टिक वगैरह काफ़ी अच्छा है, क्लच काफ़ी इसमें आपको स्लीपर क्लच एसिड के साथ मिल जाता है। क्लच जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप इसे देख सकते हैं। एंड रियर साइड में आपको एडिशनल इसमें कुछ साड़ी गार्ड या लेडीज़ पिले गार्ड कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक चेन कवर के चेन कवर कवर दिया गया है, नेकेड चेन। तो ये चेन आपको इंडिया रोड 200-300 km के ऊपर आपको जो कंपनी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इसको मेंटेन करना होता है, जो कोई भी बाइक का जो नेकेड चेन है। एंड रियर का जो टायर है काफ़ी वाइड है, देख सकते हैं। एंड इसमें आपको 17 इंच का मिलता है और इसमें आपको 150/70 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच का। एंड इस साइड में आपको और चीज़ बता दूँ, इसका जो टेल लैम्प है इसमें आपको LED टेल लैम्प मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं आपको LED टेल लैम्प मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब वाला ही मिल जाता है। इसमें अभी तक के LED में जो टर्न इंडिकेटर उसमें चेंज नहीं किया है, तो होप कि नेक्स्ट एडिशन में ये चेंज हो जाए। एंड इस साइड में आपको रियर ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है। तो रियर ब्रेकिंग जो है आपको डुअल चैनल लेविस तो मिलता है। यहाँ रियर में जो कंपनी क्लेम करता है इसमें लाइक 1 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, पर मुझे लगता है कि इसमें इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं 200 या 220 mm का डिस्क ब्रेक है। पैडल डिस्क आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी आपको मिक्सिंग का कैलिपर मिल जाता है, डुअल पिस्टन कैलिपर आपको दिया गया है। एंड एग्जॉस्ट नोट देखिए, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट नोट के ऊपर आपको क्रोम कलर का लाइक जो एलिमेंट अटके हैं। एंड जो मफलर एग्जॉस्ट का वो भी आपको क्रोम कलर के साथ आपको एंडिंग में दिया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत है। इसमें इसका जो डिज़ाइन है उसके ऊपर एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेक पे डिसाइड दिया गया है, जो काफ़ी छोटा सा ट्यूब सा लग रहा है। एंड इंजन जो है इसका डुअल सिलेंडर इंजन है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप यहाँ से डुअल आपको देख सकते हैं, ये डुअल सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे ये लिक्विड कूल इंजन है, तो इसके आपको रेडिएटर यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे डुअल सिलेंडर इंजन है, 400 cc में डुअल वेरिएंट आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी खूबसूरत है, मैं आपको स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको बता दूंगा। एंड अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड जो स्विच गियर है उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्विच गियर्स जो है सिमिलर है काफ़ी। एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, जो प्रीवियसली 2002 एडिशन जो VS4 का एडिशन है सेम आपको मिलता है। आपको टैकोमीटर मिल जाता है एनालॉग में, बाकी सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड स्पीडोमीटर, आपको क्लॉक एंड ट्रिप मीटर, आपको 2-3 ट्रिप मीटर मिल जाता है। एंड बेस टेम्परेचर एंड इंजन टेम्परेचर, लो फ्यूल इंडिकेटर वगैरह भी मिल जाता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इसमें कोई अपडेट नहीं किया इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यहाँ पे आपको 2 बटन मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड कुछ नहीं। यहाँ पे इंजन मैनुफैक्चर न्यूट्रल ABS एंड ये जो ABS है ये स्विचेबल ABS नहीं है, ये फिक्स ABS स्टैंडर्ड ABS आपको मिलता है। इस साइड में आपको पास एंड जो स्टैंडर्ड स्विच गियर्स रहता है वही आपको मिल जाता है इसमें। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो चाबी है जो है इन चेंजेस है काफ़ी, आप देख सकते हैं इसका जो काफ़ी स्टाइलिश हो गया जो प्रीवियस मॉडल के साथ, एंड इसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है। एंड इस साइड में सर आपको एक ABS जो चार्जिंग पोर्ट है वो लगा सकते हो, वो आपको एडिशनली एज एन एक्सेसरी चाहता है तो एक्सेसरीज में आपको ऐड कर सकते हो। वो कहीं अराउंड आपको 13,000 के आसपास इसका कॉस्ट आता है। एंड ये ओवरऑल था इस बाइक के रिलेटेड। एंड रियर मिरर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस मॉडल के साथ।
हाँ, ये अभी मैं आपको सीट में आपको बता दूँ, इसमें आपको स्लीप टाइप सीट मिलता है, सीट काफ़ी हर्ष नहीं है, पर जो राइडर है उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। ग्रैबरल इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको इंजीनियर ग्रैबरल मिल जाता है, पर ग्रैबरल है जो वो अपना मार्केट शायद मिल सकता है, पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता ग्रैबरल में। ऐसा ही है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 140 या 140 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसका जो वेट, बाइक का जो टोटल वेट आएगा, अगर 400 cc सुपर बाइक, इसका वेट आएगा अराउंड 168 kg के आसपास इसका वेट आएगा। एंड सीट हाइट भी इसका अराउंड 700-780 mm के आसपास आ जाएगा। तो आपका अगर हाइट 5.5 या 5.6 उसके आसपास भी है तो आप भी ये बाइक बहुत ही आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको मैंने बता दिया कि 140 mm का आस आएगा। एंड इसका जो टोटल वेट आएगा वो आपको 168 kg के आसपास इसका वेट आएगा। एंड जो सीट हाइट है वो 780 mm के आसपास इसका सीट हाइट आपको मिल जाता है। नाउ मैं आपको थोड़ा एक बार स्टार्ट करके आपको इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। तो आपको आइडिया देगा इसका एग्जॉस्ट काफ़ी खूबसूरत है, कैसा है आपको मिल जाएगा। सवाल यही था इस बाइक के रेट है। नाउ मैं आपको अभी जो इसको प्राइसिंग का बात कर लेते हैं, तो प्राइस जो इसका एक शोरूम प्राइस आपको मिलेगा 4,90,000 के आसपास इसका एक शोरूम, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका जो ऑन रोड प्राइस आएगा आज के डेट में कोलकाता के हिसाब से वो आएगा 6,70,000 के आसपास। एंड एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस ये जो है डिलीवरी चेंज होता है, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आप डेफिनेटली शोरूम विजिट कर सकते हैं। आप वेस्ट बंगाल से है तो स्पीड ऑटो कवासी के विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एंड यही था आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।